दोस्तों, क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है ही नहीं? और क्या आपको पता है, इंडिया में एक ऐसा रोड है जहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती, यानी वहाँ गाड़ियाँ उल्टी दिशा में चलती है। क्यों, चौंक गए ना? चलिए तो आज मैं आपको इंडिया के बारे में कुछ ऐसे सतरंगी फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो कि आपने शायद ही सुने होंगे। नंबर वन, भारत सोने की चिड़िया था। ये बात इस फैक्ट से जरूर क्लियर हो जाएगी। 1896 तक इंडिया अकेला ऐसा देश था जहां से पूरी दुनिया को डायमंड सप्लाई होता था। शायद इसी वजह से ऐसे कहा जाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। नंबर टू, कौन कहता है इंडिया गरीब देश है? इंडिया में आज करीब 140 से भी ज्यादा बिलियनर्स है, जिसके चलते चाइना और यूएस के बाद बिलियनर्स के लिस्ट में इंडिया तीसरे नंबर पर रैंक करता है। नंबर थ्री, हमें बचपन से ही ये बताया गया है कि हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है, लेकिन दोस्तों असल बात तो ये है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल नेशनल गेम है ही नहीं। दरअसल 1920 से 1950 तक इंडिया हॉकी में गजब का खेल रही थी, इसलिए उन्होंने इस गेम को तब नेशनल गेम रख दिया था। नंबर फोर, इंडिया में हिंदी लैंग्वेज काफी कॉमन है। जैसे यूएस में इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन है, वैसे ही इंडिया में हिंदी लैंग्वेज कॉमन है। लेकिन दोस्तों, हिंदी ये इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया के 23 ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेजेस है, लेकिन हिंदी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है, इसीलिए वो काफी ज्यादा कॉमन है। नंबर फाइव, इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी वुमेन साड़ी पहनती है, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं ये साड़ी 5000 सालों से महिलाएं पहनती आ रही है? जी हाँ, 3000 BCE में स्पेशल ओकेजन्स पर महिलाएं अलग अलग कलर्स की साड़ी पहना करती थी। नंबर सिक्स, आजकल इंडियन लोगों को बॉलीवुड बहुत क्रिंज लगने लगा है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जहां उन्होंने हॉलीवुड और नॉलीवुड यानी नाइजेरियन सिनेमा दोनों को पीछे छोड़ दिया है। बॉलीवुड हर साल एटलीस्ट 1500 से 2000 फीचर फिल्म्स प्रोड्यूस करता ही है। नंबर सेवन, क्या आप जानते हैं इंडिया में एक एंटी ग्रेविटी रोड है? जी हाँ, गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट में तुलसी श्याम नाम की एक जगह है, वहां पर एक रोड है जो कि एक्चुअली एंटी ग्रेविटी रोड है, यानी वहां ग्रेविटी उल्टे डायरेक्शन में काम करती है। अगर आपको इंडिया के बारे में कुछ और फैक्ट्स पता होंगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और दोस्तों, लास्ट वीडियो को 20K लाइक्स तो नहीं आए, पर इस वीडियो को तो कर दो यार, हम जल्द ही 1 मिलियन टच करने वाले हैं। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, कर दो यार जल्दी से 1 मिलियन।